गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, अब हम चल रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक श्लोक से पाठ चार पढ़ने। तो बच्चों, आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। यहाँ हम देखेंगे पाठ चार, बिंदु और चंद्र बिंदु। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो पुस्तक में चित्र दिया गया है उसमें किस तरीके से बताया जा रहा है कि बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर है। तो यहाँ सबसे पहले हम बिंदु क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी कि हम बिंदु और चंद्र बिंदु को कैसे समझ सकते हैं। इनके भी नाम होते हैं, हिंदी भाषा में हम इन्हें किन नाम से जानते हैं, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु नहीं, इन्हें नाम जो है वो दिए गए हैं, उसके द्वारा हम उन्हें समझेंगे। तो किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, और इसका जो साउंड होता है जिसे हम उच्चारित करते हैं वो नाक से इसकी ध्वनि आती है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, तो आप सभी अपनी बुक में देखिए, ये बिंदु का चिन्ह है। मैं यहाँ बिंदु का चिन्ह बना रही हूँ, आप सभी इसे देखेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हम शब्द के ऊपर जिस लगाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हम अपनी भाषा में सरलता से समझने के लिए इसे बिंदु कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। तो हम अपनी बुक के साथ चलेंगे तो इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और अनुस्वार से बनने वाले कुछ शब्द को भी देख लेते हैं बच्चों। तो यहां मैं लिखने जा रही हूं प त, त के ऊपर हमने क्या लगाया, अनुस्वार, और ग, तो ये क्या बन गया, पतंग। तंग, अंग की जो है वो हमारी नाक से इसकी ध्वनि आती है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं एक और शब्द है ब, ब के ऊपर अनुस्वार। अब मैं इसको अनुस्वार बोल रही हूं तो आपको समझ में आ रहा है, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ब, यहां हमने अनुस्वार लगाया द और र, तो ये बन गया बंदर। तो यहां अंग की भी जो साउंड है, ये बिंदु का जो स्वर है वो है अंग का, तो यहां नाक से इसकी ध्वनि निकलेगी, बंदर। उसी प्रकार घ, अंग की बिंदी यानी कि अनुस्वार, ट आ की मात्रा, घंटा। तो इस तरीके से हम अनुस्वार के द्वारा बनने वाले शब्दों को यहाँ देख रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे जिसे हम बहुत ही सरल रूप से समझने के लिए चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु जो वर्ण के उच्चारण करते समय वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको अनुस्वार के बारे में बताया वैसे ही हम चंद्र बिंदु के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे चंद्र बिंदु जो है उसका भी एक नाम है जिसे हम नाम के द्वारा बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर हम ये जो आधा गोला बनाते हैं और उसके अंदर इस तरीके से बिंदु लगाते हैं, तो ये चंद्र बिंदु, और इसका नाम है अनुनासिक। इसका क्या नाम है, अनुनासिक। तो हमने यहाँ पहले अनुस्वार के बारे में जाना, अब हम देख रहे हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक किस तरीके से शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसे भी देख लेते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ एक शब्द अ, आ की मात्रा, अनुनासिक, और ख, तो ये बन गया आँख। ठीक है, आँख। उसी प्रकार हम ले लेते हैं च, आ की मात्रा,
अनुनासिक और द चांद। इसको उच्चारित करते समय हवा जो है वो मुंह से बाहर निकलती है और इसका उच्चारण इसी तरीके से किया जा रहा है जैसे दांत। द आ की मात्रा, चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक और त, तो ये बन गया दांत। तो इसमें हवा का उच्चारण होता है जो बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि अनुनासिक और किस प्रकार से अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि जिसे हम बिंदु बोलते हैं, और अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु बोलते हैं के बारे में जाना। आपने कुछ शब्द भी देखे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां हम इस अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने पुस्तक कार्य पर। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए। यहां हमें अपना पुस्तक कार्य करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता रही हूँ। चित्र देखिए और रेखा खींचकर बिंदु या चंद्र बिंदु से मिलाइए। चित्रों के नीचे उनके नाम भी लिखिए, यानी कि हमें पहले तो क्या करना है, इन्हें इस तरीके से रेखाओं से मिलान करवाना है और साथ में ये जो चित्र दिख रहे हैं उनके हमें नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र देखकर आप सबको पता चल गया होगा ये किसका चित्र दिया गया है, ये ऊंट यानी कि ऊंट का चित्र दिया गया है। और इसको हमने किससे मिलाया, यहाँ पर ऊंट के ऊपर क्या लग रहा है, आप सबको पता है ना कि बिंदु लगाया है या चंद्रबिंदु, तो यहाँ चंद्रबिंदु लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखिएगा आपकी पुस्तक के अंदर बीच में ये इस तरीके से दोनों दिए गए हैं, यहाँ चंद्र बिंदु दिया गया है, यहाँ चंद्रबिंदु दिया गया है। तो हम इस तरीके से इन्हें मैच कर देंगे यानी मिलान कर देंगे। यहाँ पर हमने चंद्रबिंदु से इसको मिला दिया है। अब हम देख रहे हैं दूसरा चित्र जिसमें एक आपको दिख रहा है, क्या है ये कंगन। तो कंगन किसकी, अंग की बिंदी है, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बिंदु आ रहा है और इसका मिलान हम किससे करेंगे, ये बिंदु से। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचकर इससे इसका मिलान कर देंगे और हमें पता भी चल रहा है कि हमने यहाँ बिंदु का प्रयोग किया है, अनुस्वार का प्रयोग किया है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक चित्र दे रखा है, तो ये क्या है, ये है बाँह। बाँह में किस कौन क्या कौन सा बिंदु लगा हुआ है, बिंदु है या चंद्र बिंदु है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ चंद्र बिंदु है, हम इसका मिलान वापस यहाँ कर देंगे। इसी प्रकार चांद, चांद में चंद्र बिंदु है, हम इसका मिलान चंद्र बिंदु से कर देंगे। आगे देखते हैं और भी चित्र दिए गए हैं, तो और चित्रों को भी एक बार देख लेते हैं। बहुत इजीली आप आराम से इन चित्रों का मिलान कर सकते हैं। ये देखिए सबको पता चल गया किसका चित्र दिया है, बंदर। तो अंक की यहाँ पे बिंदी आ गई, बिंदी का मिलान हमें वहाँ इस तरीके से करना होगा। पतंग, इस तरीके से हमें ऊपर लाइन से मिलान करना है। कंप्यूटर, तो यहाँ बिंदी आई है तो बिंदु का मिलान हम ऊपर तक करेंगे। घंटा कहाँ करेंगे, बिंदु से मिलान करेंगे। तो जितने भी आपको यहाँ बिंदु दिए गए हैं, जैसे एक दो इधर ये दिया गया है, इस साइड है, ये है पतंग के ऊपर, ये सभी का मिलान हम किससे कर रहे हैं, सबका मिलान हम बिंदु से करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें चंद्र बिंदु हो मिलेगा वहाँ हम चंद्र बिंदु का मिलान यहाँ से करेंगे। इस तरीके से हम लाइन से इनका मिलान भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया, आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। आप सब अपनी बुक में पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। तो हम वहाँ देखेंगे कि उसमें हमें कैसे करना है। प्रश्न नंबर 2, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द आपस में मिल गए, यानी कि ये जो हमें बॉक्स दिया गया है इसके अंदर कुछ शब्द बिंदु के हैं और कुछ शब्द चंद्र बिंदु के हैं, तो ये आपस में मिल गए हैं। हमें बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अलग अलग खंडों में लिखना है। तो यहाँ खंड भी दिए गए हैं और बताया गया है कि यहाँ आपको बिंदु वाले शब्द लिखने हैं,
यहाँ आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने। अब हम यहाँ से शब्दों को छांट कर बिंदु वाले और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अलग करेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं बोर्ड पर कुछ शब्द लिखकर, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस तरीके से उन्हें लिख सकते हैं। तो आप सभी अपने इन बॉक्सों पर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिंदु वाले शब्द। तो बिंदु वाले शब्द में सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने ढूंढा बॉक्स के अंदर, हमें पहला शब्द मिल गया है, वो कौन सा है? बिंदु वाला। तो हम यहां लिख रहे हैं चंदा। तो हमें पहला जो शब्द मिला है वो है चंदा। तो हमने बिंदु वाले जो कॉलम में हमें दिए गए हैं उस पे हमने लिख दिया चंदा। उसी प्रकार हमने दूसरा शब्द देखा बॉक्स में, तो उस पे चंद्र बिंदु दिया गया है, तो हम चंद्र बिंदु वाला शब्द कहाँ लिखेंगे? यहाँ चंद्र बिंदु वाले कॉलम में। तो हमने देखा पुस्तक में आप सबको दिख रहा है, हम चंद्र बिंदु वाले कॉलम में यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ है हमारा हंसना, यहां हम चंद्र बिंदु वाले शब्द लिख रहे हैं हंसना। ऐसे ही बच्चों आपको और शब्द भी देखने हैं। जैसे हम फिर देखते हैं तीसरे नंबर वाला शब्द, तो वो भी हमारा बिंदु वाला शब्द है, तो हम यहां लिख देंगे हंस। और फिर हम देखते हैं नंबर चार पे हमारा कौन सा शब्द दिया गया है? चंद्र बिंदु वाला शब्द दिया गया है, वो है हमारा दांत। तो यहां हमारा चंद्र बिंदु आ रहा है, तो हमने इधर चंद्र बिंदु वाले शब्द लिख दिए। तो बच्चों ऐसे ही हम सभी शब्दों को छांटेंगे, और जहां हमें बिंदु वाले शब्द लिखने हैं वहां हम बिंदु वाले शब्द उस कॉलम में लिखेंगे, और जहां हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द दिए गए हैं हम वहां चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखेंगे। तो बच्चों आपने ये पाठ चार बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा, बहुत ही सरल पाठ दिया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।